दिलचस्प है। तो वो घुसपैठिया तुम्हारा बेटा ही निकला। बैनी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। बैनी, तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं वीर। बैनी, तुम ये क्या कर रहे हो? बैनी, अरे नहीं, वो मैजिक बॉम्ब के कंट्रोल में है। कंट्रोल में है? बैनी आया, जरा बच करे बाबा। मैजिक बॉम्ब की शक्ति जो देखी थी, वो बैनी का दोस्त नहीं रहा, समझे क्या? नहीं बैनी, होश में आओ। जल्दी चलो, भागो यहाँ से, हमें छुपने की जगह ढूंढनी है। मिल गई। हे, मुकी की, मुझे ये बताओ, क्या हम इसके पीछे छुप पाएंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये छोटे फ्लावर्स कितने क्यूट है ना, और यहाँ हम पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। अरे उसने हमको भी दुश्मन बना दिया, मारो। नहीं, मैं बैनी को चोट नहीं पहुंचा सकता। बैनी, हम दोस्त हैं, तुम्हें होश में आना होगा। आइए वीर, अगर हम बैनी को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उसको जगाने का दूसरा रास्ता नहीं है जी, समझे क्या? माफ करना बैनी, मुझे तुम्हें होश में लाना ही होगा। मास्टर इधर है। अले ले ले ले। अले ले ले ले। मैं आ गई मास्टर। स्कारलेट, तुम? मास्टर म्यो म्यो, हम आपको छुड़ाने के लिए आए हैं। मास्टर, आखिर तुम आ गई। तो मैंने आपको आखिरकार ढूंढने निकाला। स्कारलेट, तुमने मुझे ढूंढने के लिए कितनी परेशानी उठाई। मुझे ये देख के रोना आ गया। स्कारलेट, तुम्हारे मास्टर तो एक एल्फ निकले। मैं अनाथ हूँ, इन्होंने ही मेरी देखरेख की। एक दिन ग्लेशियर किंगडम के लोग अचानक से वहाँ आ गए और उन्होंने मास्टर को पकड़ लिया। मास्टर! वो लोग ग्लेशियर किंगडम के एल्फ डीलर थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने मास्टर को बचाना चाहती हूँ तो उन्हें रकम देनी होगी। ओह, तो तुम्हें खजाने इतने ज्यादा पसंद हैं और तुम अपने मास्टर को जल्दी से छुड़ाना भी चाहती हो। हाँ, मुझे उन्हें बचाना था, इसलिए मैं लालची बन गई थी।
ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। अच्छा तो फिर हम एल्फ्स को बचा सकते हैं, तो चलो बचाते हैं। तुम एल्फ को बचाओगे? मैं नहीं बचाने दूंगा। डंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से अंदर तो आ गए पर बाहर नहीं जा पाओगे। स्कारलेट तुम चली जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। स्कारलेट मैं तुम्हारे साथ हूँ। फेरी फॉर्म बॉडी एक्टिवेट। आम फेरी फॉर्म असेंबल। तेरा फॉर्म। ओ प्यारी स्कारलेट, तुम सच में कितनी बड़ी हो गई। तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा आंकते हो। एंड्रयू, एगोन वॉइसबर्ड। अच्छा, उसने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई, मुझे लगा कि तुम उठोगे ही नहीं। शुक्रिया एगोन। एंड्रयू, आपका शरीर गायब हो रहा है। मैं लड़ूंगा, तुम लोग जाओ। अल्बर्ट अभी भी वहाँ कैद है, मैं वहाँ की स्थिति को नहीं जानता, मैं गायब नहीं हो सकता। वॉइस बर्ड, ये है ग्लेशियर किंगडम की पूरी जानकारी, विंग किंगडम, एल्व्स, सभी की जानकारी इसमें दी गई है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और विंग किंगडम को बताना होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं एल्बर्ट को बचाऊंगा। पर आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं एंड्रयू का ध्यान रखूंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा मैं वापस आऊंगा। एगोन, हम एल्बर्ट को जरूर वापस लाएंगे। बेनी, होश में आ जाओ। आइए वीर, इसको तुम्हें एक ही झटके में खत्म करना पड़ेगा। नहीं, उससे बेनी को चोट पहुंचेगी, हमें बस उतना करना है जिससे कि वो बस होश में आ जाए। हाय, अरे रोने का नहीं रे, रोल प्राइम की शक्ति वैसे भी खत्म हो रही है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे ठंड लग रही है और मेरा पेट भी ठीक नहीं है रे देवा, मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेनी होश में आओ, दूसरे का कंट्रोल से बाहर निकलो। हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। यहाँ खतरा है, कहीं दूर जाके छुप जाओ। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। जरा संभल कर। मैंने बचा लिया। अच्छी बात है। ये? जल्दी करो, दरवाजा बंद कर दो। मास्टर, सिस्टम थोड़ा डैमेज है, इसे बंद नहीं किया जा सकता।
अभी इसी वक्त फ्रोजन मॉन्स्टर को नष्ट करने के लिए मैजिक बॉम्ब को एक्टिवेट करो। फ्रोजन मास्टर खतरे में है मुत्तु स्वामी, हमें उसे बचाना होगा। आइए, तू सही बोला रवीर, हमको बचाना पड़ेगा। नहीं, पहले फ्रोजन मास्टर को बचाते हैं। फ्रोजन मास्टर तुम ठीक हो ना? चलो चलो यहाँ से। ये क्या? क्या बात है बेनी, ग्लेशियर किंगडम का युवा मास्टर तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। मैं पहले से ही एल्फ किंग की पावर को हासिल कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी भी मेरे शरीर का विरोध कर रही है। मास्टर आमिल, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, अब आगे तुम संभालो। जरूर। आओ दिखाता हूँ। इसके बम की स्पीड तो पिछले बार से कहीं ज्यादा है। मुझसे लड़ो। वो हमसे बच गए। आखिर बात क्या है? हमारे पास कंसोल को नष्ट करने का समय नहीं है। जरूर वीर, नहीं कंट्रोल सेंटर में मास्टर स्विच को ऑन क्या होगा? पहले हमें ईंधन भरना होगा। तुम सुन रही हो? तुम पहले मास्टर म्यू म्यू और एल्फ्स को बाहर निकालो। हाँ। बचने का कोई उपाय नहीं है, मेरे जादुई बम की सुपर पावर लेने के लिए आओ, जल्दी करो। अरे सब लोग तो बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। अरे जाओ। अभी सब ठीक नहीं है, हमें और मेहनत करनी होगी। वीर। मार दिया रे। मुत्तु स्वामी तुम ठीक तो हो ना? अरे कक्का ठीक है रे देवा, पेट वैसे ही खराब हो गया है मेरा, क्या करे। अयो बहनी भाई संभल कर। वीर चलो चलते हैं। रॉक स्पाइक असॉल्ट। यकुकु संभल के। वीर मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी वजह से तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। नहीं, एल्फ्स मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। वीर जरा देख कर। फ्रोजन मास्टर, आप सिर्फ अकेले नहीं हो जिसे दूसरों की रक्षा करना पसंद हो। क्या बात है? वीर चलो हम साथ में मिलकर लड़ते हैं। फ्रोजन मास्टर थैंक यू। चलो फिर मिलकर लड़ते हैं।
फेयर फॉर्म बॉडी एक्टिवेट। वाह, ये तो कमाल का है। तुम्हें कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले हमें बेनी को कंट्रोल करना होगा, उसके बाद उसे होश में लाना होगा। बेनी, तुम ठीक हो ना? क्वीन, जरा संभल कर। हाय। ये तरीका काम नहीं आएगा। प्लीज आर फ्रोजन। बेनी, होश में आओ। बेनी, बेनी, बेनी। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी हमें इनसे और लड़ना होगा। खैर, आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आ जाओ, हिम्मत है तो। या! आ, 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 चलते जाओ, भागो यहाँ से, भागो। हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझसे लड़ो। बहुत अच्छा जैलन, तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं इसे और नहीं रोक सकता। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो। हिया। दरवाजा बंद होने वाला है। हमें बाहर निकलना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा। इसका एक ही तरीका है। स्कारलेट, चैलेंज, तुम क्या कर रहे हो? स्कारलेट, मुझसे वादा करो, तुम सभी एल्फ्स को सुरक्षित यहाँ से दूर ले जाओगी। क्या? तुम भी मेरे साथ चलो चैलेंज।